नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर्स के बारे में। आपने देखा होगा कि कई अलग अलग टाइप के पेट्रोल्स आते हैं। यहाँ पे जनरली पेट्रोल की बात करेंगे, डीजल वगैरह की बात मैं नहीं करूंगा, तो इस वीडियो में आप डीजल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो पेट्रोल कई तरीके के हमने देखे होंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा ये, एक्स्ट्रा वो, स्पीड और HP जो है वो पावर नाम से देता है। तो अलग अलग टाइप के पेट्रोल आते हैं और कई बार आपने सुना होगा 93 ऑक्टेन, 97 ऑक्टेन, 99 ऑक्टेन, 89 ऑक्टेन, 91 ऑक्टेन। ये क्या है, ये अलग अलग नंबर्स क्यों हैं, कौन सा पेट्रोल आपको अपनी बाइक या कार में डलवाना चाहिए, आज इस वीडियो में वो सब बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि इंडिया में जो ऑयल कंपनीज है जो पेट्रोल बेच रही हैं, चाहे वो इंडियन IOCL हो, चाहे वो BP हो, चाहे वो HP हो, जो भी कंपनीज हैं, ये कंपनीज एक अलग तरीके का पेट्रोल रख रही हैं सब के सब। यानी कि एक नॉर्मल पेट्रोल रख रही है, एक प्रीमियम पेट्रोल रख रही है। जैसे कि इंडियन ऑयल की बात की जाए तो एक पेट्रोल रखते हैं नॉर्मल जो होता है वो, दूसरा होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम। फिर उसके बाद में इस अगर भारत पेट्रोलियम की बात की जाए तो उनके पास प्रीमियम के नाम पे होता है एक स्पीड पेट्रोल होता है। फिर HP की बात की जाए तो उनके पास होता है अपना पावर पेट्रोल, पावर नाम से देते हैं। तो इनमें एक्चुअली कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनमें क्या होता है, एक एडिक्टिव डाल देते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा जो कि आपके इंजन को स्मूथ रखता है, ये वो, मतलब वो ऐसे वादे करते हैं। इनका आज तक कोई प्रमाण तो है नहीं कि या सच में ये इंजन पे कोई खास असर डालते हैं। इसके बारे में खैर अगर आपको चाहिए तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं एक्चुअल में जो ऑक्टेन नंबर्स अलग अलग होते हैं वो फंडा क्या है। तो अभी जनरली जितने भी पेट्रोल हमें मिल रहे हैं वो 91 ऑक्टेन पे मिलते हैं। BS4 पेट्रोल जो मिलते हैं वो सब 91 ऑक्टेन के पेट्रोल आपको मिलते हैं। ऑक्टेन जो होता है वो ऑक्टेन के नंबर होते हैं जो 91 वगैरह है, कि ऑक्टेन की मात्रा कितनी है। अब ज्यादा ऑक्टेन होगा तो आपकी बाइक या कार का अगर कंप्रेशन ज्यादा होगा तो इंजन की नॉकिंग कम होगी। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखो कंप्रेशन मतलब कितना आपका पिस्टन अंदर जो है इंजन में कितना कंप्रेस कर रहा है आपके फ्यूल को इग्नाइट होने से पहले। अभी क्या होता है, अगर ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होता है और ऑक्टेन नंबर कम होगा तो फ्यूल कंप्रेशन पूरा कंप्रेशन होने से पहले ही जल जाएगा, तो उसके कारण नॉकिंग साउंड आती है इंजन में। अभी मान लो आपकी बाइक जो है उसमें कंप्रेशन रेशियो हाई है, जैसे KTM Duke 390 आपके पास, उसमें कंप्रेशन रेशियो हाई है। वहीं दूसरी और कोई ऐसी बाइक पकड़ो जिसका कंप्रेशन रेशियो कम है, तो Duke 390 में आपने जो है वहां पे रिकमेंड कर रहा है मैन्युफैक्चरर आपको कि भाई आपको 93 ऑक्टेन फ्यूल डलवाना है और आप डलवा लेते हो 89 ऑक्टेन फ्यूल, तो क्या होगा कि इतना जो कंप्रेशन होना चाहिए पिस्टन में इस लेवल का, वो इतना सा कंप्रेशन होने, यानी कि गैप जो है थोड़ा ज्यादा होगा तभी फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा, पहले इग्नाइट हो जाएगा। उसके कारण आपको ना सिर्फ माइलेज कम मिलेगा बल्कि पावर भी कम मिलेगी और इंजन जो है उसमें भी डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ऑक्टेन के नंबर बढ़ाए जाते हैं पेट्रोल में। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने से पेट्रोल की इफिशियंसी जो होती है कंप्रेशन होने की वो ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो ज्यादा कंप्रेशन झेल सकता है। इसीलिए सुपर कार, सुपर बाइक जो होती है उनमें ज्यादा ऑक्टेन वाला फ्यूल यूज किया जाता है। ज्यादा ऑक्टेन यानी कि ज्यादा कंप्रेशन झेल सकता है और काफी देर तक इग्नाइट नहीं होता है, वो काफी देर बाद में इग्नाइट होता है, तो इसीलिए सुपर कार्स वगैरह में यूज किया जाता है। इंडिया में आमतौर पर 91 ऑक्टेन फ्यूल अवेलेबल है। 93 कुछ कंपनीज देती है, स्पीड 93 नाम से आता है, स्पीड 97 भी आता है। BPCL भारत पेट्रोलियम जो है 97 काफी लॉन्ग टाइम से 97 ऑक्टेन फ्यूल बेच रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने बैंगलोर में 99 ऑक्टेन फ्यूल देखा था HP से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से। इवन ट्विटर पे उन्होंने एक बार ये फोटो भी शेयर की थी। तो 99 ऑक्टेन फ्यूल भी अवेलेबल है। अभी 99 ऑक्टेन जब मैंने देखा था तब तो वो 5-5 लीटर के उस कैंस में पकड़ा रहे थे, शायद उनके लिए प्रॉपर पेट्रोल पंप नहीं था। अभी क्योंकि उन्होंने फोटो शेयर की तो प्रॉपर पेट्रोल पंप है उनके लिए जिसमें वो 99 ऑक्टेन फ्यूल रखते हैं। तो अगर आपके पास सुपर कार, स्पोर्ट्स कार है तो आप 99 ऑक्टेन फ्यूल वहां पे भरवा सकते हैं। बाकी इंडिया में जो मोस्टली बाइक आ रही है सबकी सब आपकी 89 या 91 ऑक्टेन वाली फ्यूल पे भी बिना किसी प्रॉब्लम या नॉकिंग के चल जाती है, लेकिन ये KTM Duke 390 हुई, ऐसी हाई कंप्रेशन रेशियो वाली बाइक जो है उन्हें प्रेफर करना चाहिए आपको 93 या 95 ऑक्टेन का फ्यूल आप रेगुलरली डलवाते हैं। प्राइस में डेफिनेटली फर्क आता है, ये आमतौर पे 5 से 20 रुपए तक महंगे हो सकते हैं हायर ऑक्टेन वाले फ्यूल्स। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोअर ऑक्टेन वाले फ्यूल डलवाओगे तो कोई इंजन चलेगा ही नहीं या पूरा खत्म हो जाएगा,
चल जाता है, लेकिन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं नॉकिंग साउंड वगैरह से, काफी छोटे छोटे डैमेज होते रहते हैं। तो बस ये है ऑक्टेन वाला ज्यादा डिफरेंस है। ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड ये नाम से जो एडिक्टिव डाल डाल के बेच रहे हैं उसमें कोई खास फर्क नहीं है, वो आपके इंजन की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं डालता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रोज देखने एक ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।